बजे मैं आपको इस घाट पे लेके आया हूँ। अपना तो तुषार नदी का घाट है जहाँ पे हम लोग का भाई बहन मित्र दोस्त वगैरह ठीक है अंकल आंटी लोग सब लोग छठ पूजा का पर्व मनाते हैं। तो छठ पूजा में इस प्रकार से डेकोरेट किया रहता है। हम लोग तुषार नदी बैठे है दोस्तों, वो मैं आपको दिखाना चाहता था, इसलिए मैं सुबह सुबह ही आ गया। ये तो कल है छठ पूजा, लेकिन एक दिन आगे आ गया, 18 तारीख को आगे, 19 को छठ पूजा है। मैं देखिए ये सब लाइटिंग वगैरह रात में दिखाई देगा, दिन में तो नहीं ठीक है। किस प्रकार से सजाया गया है ये रात में तो और बेहतर दिखाई देगा, अच्छा अच्छी प्रकाश दिखाई देगा ठीक है दोस्तों। दिन का उजाला उजाला है, उजाला में तो इसी प्रकार का रहेगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आप सब कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे ही रहना, हमेशा स्वस्थ रहना, हंसमुख रहना, क्योंकि हंसने से जीवन की सारी परेशानियाँ दूर हो जाती है, ऐसा मेरा मानना है। एक दिन आपको भी जरूर मानना पड़ेगा। तो दोस्तों जीवन क्या है दोस्तों? जीवन तो एक संघर्ष है, संघर्ष करते करते हम लोग इस संसार से चले जाना है ठीक है। हम लोग इस संसार में बस टेम्प्रोरी के लिए आए हैं, बस अपना काम शाम जो भी भगवान ने दिया हम लोग काम करने को काम करके वापस फिर वहीं लौट के जाना है जहाँ से हम लोग आए थे ठीक है दोस्तों। संसार का नियम यही है, इसी नियम के अनुसार संसार में बहुत सारा पर्व है, बहुत सारा हम लोग का पूजा पाठ वाला चाड़ कहते हैं फिर त्यौहार है। अभी तो अभी हम लोग का दिवाली ख़त्म हो गया, दशहरा ख़त्म हो गया, लास्ट पर्व है हम लोग हिंदू धर्म का जिसको हम छठ पूजा कहते हैं, जो छठ माई कहते हैं, जो बहुत ही पवित्र और विश्वास रखने वाला पूजा है दोस्तों। सभी श्रद्धालु के ऊपर श्रद्धा है इस पूजा में ठीक है, इसके लिए छठ पूजा मनाया जाता है। ये डेकोरेट है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आगे और मैं दिखाऊंगा जितना मेरे वीडियो में कैप्चर हो सके ठीक है, उस पर दिखाऊंगा। आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो पे, बिल्कुल भी निराश मत होइए, मैं आपको ज़रूर अच्छा सा वीडियो आपको आगे पेश करूंगा ठीक है। तो स्वागत है मेरा थापा ब्लॉग यूट्यूब चैनल पे। ये है छठ पूजा का बाजार दोस्तों, देखिए मार्केट में कितना भीड़ भाड़ है ठीक है। मैं आपको एक झलक एक नज़र इस मार्केट का दिखाता हूँ, आप लोग देखिए छठ पूजा में किस प्रकार मार्केट लगता है। देखिए पूरा छठ पूजा का ये सब, ये छठ पूजा चलते ये पानी सिंगाड़ा है, पानी वाला ये आमला है, चारपटे कहते हैं हम लोग चारपटे। ये है छठ पूजा का एंट्रेंस दोस्तों, यहाँ से अंदर की ओर जा सकते हैं आप। देखिए आज मैं आपको घाट का पूरा दृश्य दिखाऊंगा, हम लोग तुषार नदी का जो किनार है ना किस प्रकार सजावट किए हैं ठीक है। ये रास्ता इस प्रकार से है, ये देखिए कुछ भी निखर के आते हैं, देखिए इस प्रकार से ये नज़ारा है दोस्तों घाट का, कुछ इस प्रकार से लगाए गए हैं घाट। सबका अपना अपना नंबर रहता है, सीएन नंबर टोकन नंबर ठीक है, उस टोकन नंबर हिसाब से लगाया जाता है। और सभी लोग यहाँ पे छठ माई को आराधना करते हैं, साधना करते हैं ठीक है दोस्तों। ये देखें हद कहाँ अभी ने सजाया रहता है दोस्तों, देखिए इस प्रकार से ये पूजा पाठ करने का जगह बनाया गया है लोगों के द्वारा ठीक है। इसमें टोकन नंबर रहता है, टोकन नंबर उस नंबर के आधार पे 500 600 700 1000 रुपया देख देख के है ठीक है। तो ये घाट का नज़ारा आप देखिए, ना अच्छा लगता है ना इस बार को देखिए, बहुत ही घाट बनाया गया है देखिए लाइन से मिल सकता है यहाँ पे, खाली मीट मछली को छोड़ करके खाली भेज ही मिलेगा देखिए। मोमो 1 to 900 मतलब 801 से 900 तक का घाट इस जो एरो दिखाएगा इस लाइन पे है ठीक है दोस्तों। ये है टोकन नंबर, इस नंबर पर देखिए वो लोग अपना घाट बनाते हैं और बाद में आके पूजा करते हैं कुछ इस प्रकार से। कितना अच्छा हवा आ रहा है देखिए दोस्तों, इतना बढ़िया पानी यहाँ से देखिए नज़ारे आपको बहुत अच्छे दिखेंगे। आएगा ये बंद, ये देखिए कितना बढ़िया तुषार नदी, बहुत बेहतर से बेहतर दृश्य। और हम लोग मोटू भैया, हम लोग गाँव का है वो भी,
लगता है हम लोग गाँव का लोगों का घाट यही इसी नंबर पे है, इस 801 से 900 तक का नंबर पे वो लगा रहे बना रहे थे भाई लोग। ये हम लोग का गाँव का घाट है, नहीं देखिए इस प्रकार सभी नदी के सामने लगाया जाता है घाट वगैरह प्रकार से। और नदी का तो रूप ही देखे दोस्तों अलग ही होगा, हम तुषार नदी आज का तो आज का दिन में कल का दिन में तुषार नदी बहुत बेहतर लगेगा, एक स्वर्ग जैसा लगेगा दोस्तों। आप भी सोच रहे होंगे जन्नत में हम आ गए, हम लोग का तुषार नदी भी बहुत बेहतरीन सा दिखने लग जाते हैं, ऐसा लग जाता है कि कोई इसको बहुत अच्छी प्रकार सजा रहे हैं। देखिए इसको थोड़ा डेकोरेट कर रहे हैं भाई लोग, शाम तक में बहुत अच्छा डेकोरेशन हो जाएगा। ये थोड़ा बड़ा है इनका, ठीक है, मतलब परिवार भी बड़ा रहेगा, इस टाइप से बना रहे हैं डेकोरेट। यो घाट से कसको मतलब सजा छ डेकोरेट बेसी परिवार को मान्छे होला हैन, त्यही ए भैया लोग डेकोरेट कर रहे हैं। टाइम पे पूजा होता है यहाँ पे, तो अभी स्टार्ट कर रहा है। देखिए ये तो लोग नदी में पानी स्टॉल लगा हुआ है छोटा छोटा, देखिए सभी गांव के ही लोग हैं जो आजू बाजू में रहते हैं, वो सब लोग हैं, वो लोग ही लगाए हुए हैं स्टॉल आदि के द्वारा। यहाँ से लाइन का फेस वेस लगाया गया है, कहाँ पे लाइन कितना जाएगा और लाइटनिंग कितना होगा, है ना, फेस है ना लाइन का इलेक्ट्रिक, इस प्रकार से यहाँ से सप्लाई होता है लाइन वगैरह, ठीक है। ये देखिए ये घाट बहुत अच्छी प्रकार से बनाया गया है, देखिए खूब सुंदर अच्छी प्रकार से, देखिए सजावट भी देखिए अच्छा है, पूरा फूलों का और जो आर्टिफिशियल फूल है उसको लगा करके बनाया गया। देखिए दोस्तों सभी प्रकार, ये घाट का सेल नंबर 1 से लेकर 100 तक है, 1 से लेके मतलब शुरुआती यहीं पर 1 से लेकर 100 और 600 से लेकर 700 तक, यानी 200 घाट का ये नज़ारे देखिए इस प्रकार सजाया गया। ये देखिए ये सीरियल नंबर है 1 से लेकर 100 नंबर तक, 600 से लेकर 700 नंबर तक, ठीक है दोस्तों। कुछ इस प्रकार से ये घाट को बढ़िया 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 मेरे को बहुत अच्छा लगा दोस्तों। ये सब हम लोग बचपन से देखते थे आते थे, लेकिन वीडियो कभी नहीं बनाने का मौका मिला हम लोग को। अभी तो इस यूट्यूब के चलते मेरे को भी मौका मिल पाया है इस वीडियो को आपको दर्शाने के लिए, ठीक है दोस्तों। और मैं भी खुश हूँ, और मैं ये चाहता हूँ मेरा ऑडियंस मेरा व्यूअर्स भी मेरे इस वीडियो को देखकर खुश हुए, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, मेहनत का फल हमेशा मीठा ही रहता है, इसके लिए मैं मेहनत करते जाऊँगा, फल का चिंता नहीं करूँगा, और फल तो आप मुझे दे ही देंगे, इतना मेरे को विश्वास है। यहाँ से सुंदरता देखिए, हाय हाय कितना मस्त नज़ारे हम लोग का तुषार नदी का, तुषार नदी भी आज तो स्वर्ग और जन्नत से कम नहीं है दोस्तों, यहीं पे स्वर्ग है यहीं पे जन्नत है, देखिए स्वर्ग यहाँ और जन्नत भी यहाँ। आदमी लोग अभी लगे हुए हैं अपना अपना पंडाल को बनाने में, अपना अपना घाट को बनाने में, कोई तो बना चुके हैं कोई बना रहे हैं, किसी का आधा काम बाकी है किसी का पूरा काम हो चुका है। ये देखिए इस प्रकार ये पीछे का तरफ है इस घाट का, ये आगे तरफ इस घाट का, ठीक है, इतना मस्त है ना सारा। वाह तुषार नदी भी आज तो बड़ा मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराहट खिला हुआ है तुषार नदी का भी, देखे दोस्तों ये देखिए ये सभी अच्छी बात सजा रहे। बना रहे हैं कड़क का धूप है, उस धूप में भी मैं आपको ये वीडियो साझा कर रहा हूँ इस छठ पूजा का दौरान, जो भी नदी में दृश्य बनाया जाता है लोगों के द्वारा बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत रहता है। देखिए अभी माइक भी चालू होने वाला, हेलो कर रहा है, रुको भाई अभी मत बचना नहीं तो मैं अपना वीडियो पूरा नहीं कर पाऊँगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। गाड़ी वाले भाई लोग हो क्या, आप लोग से रिक्वेस्ट किया जाता है गाड़ी निकाल ले,
घाट के अंदर से गाड़ी निकाल ले, एक बज के आपका गाड़ी बाद में एग्जिट बंद कर देगा। आप लोग को निवेदन किया जाता है गाड़ी घाट लाने से बाहर निकाल ले, और आपको अगर जाना हो तो तुरंत चल जाएंगे तो एग्जिट बंद कर देंगे। अब एग्जिट बंद हो जाएगा और आप लोग को गाड़ी भी नहीं देंगे, बाद में हम लाएंगे तो पैसे दे देंगे। एक का नाना पैसा ले लेना, ये देखिए नजारा दोस्तों, कितना बढ़िया, कितना बढ़िया, कितना अच्छा है, कितना मस्त है। तो मैं आपको ये घाट दिखा रहा था, छठ पूजा के टाइम में लोग कैसे किस प्रकार से नदी के किनारे में आके घाट बनाते हैं, ठीक है दोस्तों, और वो लोग पूजा पाठ करते हैं, किस तरह से अपना अपना सामान का व्यवस्था का वो लोग व्यवस्था का विवरण करते हैं और अपना घाट अच्छी प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। अभी तो ये दिन का दृश्य है, रात का दृश्य तो दिखाने लायक से ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तों। ये दिन में इतना अच्छा है तो रात में तो और चार चांद लग जाए जब लाइटनिंग वगैरह होगा ना उस टाइम पे, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग का हिंदुस्तान में, हम लोग का भारतवर्ष में छठ माई ही ऐसा एक धर्म है, एक ऐसा पूजा है जिसको लोग डूबते हुए सूरज, मतलब सनसेट, जो सूरज को डूब रहा है ना उसका भी आराधना करते हैं और साधना करते हैं दोस्तों। ऐसा है हमारा देश, हमारा देश भारत है, हमारा भारत देश के लोग तो इसी श्रद्धा को लेके ये लोग पूजा करते हैं डूबते हुए सूरज का। और कल सुबह जब ये लोग आएंगे, बहुत ही सुबह सुबह आ जाते हैं ये लोग घाट पे, ठीक है, उस टाइम ये उगते हुए सूरज का, सनराइज का पूजा करते हैं। यानी कि एक तरफा से माना जाए तो ये पूजा अपना जो अग्नि देवता है, सन सूरज, सूरज का पूजा होता है, तो ऐसा मेरा मानना है दोस्तों, सूरज का ही पूजा करते हैं। और जो लोग भी इस पूजा में व्रत लेते हैं, जो कुछ खाता नहीं है, ठीक है, खाते पीते नहीं है, अपना व्रत को भी कल तक में जो तोड़ देते हैं, कल तक में उसका व्रत खत्म हो जाएगा। आज शाम को जब सूर्य अस्त होगा उस टाइम ये पूजा शुरू होगा, कल जब सूर्य उदय होगा उस टाइम पूजा खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इन्हीं दो कारणों के कारण ये पूजा होता है और इतना धूमधाम से होता है कि आपको मैं क्या बताऊं दोस्तों। और ये बात ये है ना, आदमी ये पूजा, ये जो छठ पूजा है, छठ का जो पर्व है, जो छठ का जो उत्सव है, नदी किनारे में क्यों किया जाता है दोस्तों मालूम है? जहाँ तक मेरे को मालूम है, जहाँ तक हम लोग जानते हैं, क्योंकि नदी, बहता हुआ नदी बहुत ही पवित्र होता है, बहुत ही शुद्ध रहता है, देखिए दोस्तों। उन लोगों को पूजा पाठ करने के टाइम में नदी में जाना पड़ता है, नदी में डुबकी लगाना पड़ता है, नहाना पड़ता है, उसके बाद सूरज को देख करके, धूप को देख करके आराधना करना पड़ता है। जिसका मन में जो भी मांगना है, जो भी मन कामना उसका पूरा होना है, वो उससे मांगते हैं, उसके बाद ही ये पूजा का आरंभ भी होता है और उसी टाइम में ख़त्म भी हो जाता है, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। और छठ माई का मेरे को एक तो प्रसाद जो मेरे को बहुत ही पसंद है, वो प्रसाद का नाम है ठेकुआ, जो कि सूजी, आटा और चीनी या गुड़ से बनाया जाता है, बहुत मीठा और स्वादिष्ट रहता है दोस्तों। वो ठेकुआ आप कितना बार दिन में रखे ख़राब नहीं होता है, इतना स्वादिष्ट रहता है कि बचपन से हम लोग ठेकुआ खा के आ रहे हैं। जब भी मेरे दोस्तों का छठ पूजा आता था, मैं हमेशा बोलता दोस्तों भूलना मत ठेकुआ लाने को, ठीक है, स्कूल के टाइम में वो ठेकुआ लाते थे। अभी मैं बड़ा हो चुका हूँ, मेरा अपना घर है, तो घर में वो लोग ला के देते हैं प्रसाद के रूप में, ठीक है दोस्तों। इस बार तो मेरे को नहीं मिल पाएगा क्योंकि प्रसाद मेरे को अलाउड नहीं है, मेरा पिताजी के कारण थे एक्सपायर जो हो गए थे, तो मेरे को थोड़ा अफसोस है, लेकिन अगले साल में तो जरूर होऊंगा और मैं भी इन लोगों के साथ में छठ माई का पर्व धूमधाम से मनाऊंगा दोस्तों। तो ठीक है, ये कहना था मैं आपको, जितना मेरे को जानकारी उनसे कह रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा अंकल का चैनल। छठ पूजा क्या है, ये सवाल हम बिहारी को, बिहारी का मन में कभी आया ही नहीं। हाँ, बिहार के बाहर से ये सवाल आया तो मन मुस्कान को साथ दिल से कुछ जवाब आया। छठ बिहार में बहते गंगा की धार अपनों को एक सूत्र में बांधती, घर आंगन की पुकार, नहाए खाए के कद्दू भात, धरती
गुड़ वाली खीर मिठास, ठेकुए की सौंधी सौंधी खुशबू के साथ, कसर में माँ के छाँव से बांधा प्यार है, नहाए धोए खरना से लेकर प्राण तक, नहाए खाए खरना से लेकर प्राण तक, माँ की थाली में थोड़ा जुठन प्रसाद मन ग्रहण करने का संस्कार रहिए छ। ये माथे पे पीली सिंदूरी टीका घर से वापस जाते हुए ठेकुए के संग वो लाल बत्ती में बांधा माँ का दुलार है छ, और अंत में बिहार का अभिमान है छठ दोस्तों, इस प्रकार छठ पूजा मनाएं। और चाय का आनंद लें, हमें अनुग्रहित कर आशीर्वाद प्रदान करें। यहाँ पे चाय मिल रहा है उनका के तौर से। अच्छा लगता है छठ का पर्व मेरे को दोस्तों। अभी तो मेरा आवाज भी नहीं आ रहा होगा, मैं आप लोग से क्या बात करूँ, बात करने का पूरा मन था। देखिए कितना भीड़ भाड़ है, गाड़ी घोड़ा कितना की तरफ से आपकी सेवा में। छठ पर्व का उत्सव है दोस्तों, चाय उपलब्ध कराया गया है, आए चाय का आनंद लें, हमें अनुग्रह को मानते हैं। उन सबका श्रद्धा है, देखिए छठ माई के प्रति उन सबका श्रद्धा है। ये हम लोग का हिंदुस्तान दोस्तों, ये हम लोग का भारत देश। जय गांव छठ घाट पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ममता की तरफ से खूबसूरत सा नजारा, खूबसूरत सा दृश्य नजर आ रहा है दोस्तों। ये है दोस्तों छठ पूजा का पर्व, बहुत ही होश उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। लोगों का मन में श्रद्धा हमेशा रहता है इस पूजा के प्रति, सबसे ज़्यादा श्रद्धा। इससे मैं कहता हूँ दोस्तों, ये हमारा इनक्रेडिबल इंडिया डे हो दोस्तों, हम लोग हिंदुस्तान भारतवर्ष इस प्रकार से त्योहारों का मनाते हैं, इस प्रकार से त्योहारों का उत्साह मनाते हैं, धूमधाम से मनाते दोस्तों। कोई भी त्यौहार हो, ये तो हम लोग का हिंदू धर्म का लास्ट ईयर है, इस साल का दिया लास्ट आखिरी चाड़ है, आखिरी पर्व है। इसके बाद अगले साल पे हम लोग मुलाकात होगा पर्व पे, ठीक है दोस्तों, त्योहारों पे। तो ये था मेरा वीडियो आपको दिखाने का, दर्शाने का, ठीक है, मकसद देख लीजिए कितना मैं नदी का किनार भी हूँ, और नदी के किनारे कितना खिलखिला उठा है, कितना मुस्कुराहट, कितना मुस्कान भरा हुआ है नदी में। देखिए हम लोग कुशल नदी के नज़ारे, शाम का टाइम का, अभी शाम का 6:05 ठीक है, सॉरी 6:05 उस टाइम का नज़ारा थी। मेरे पीछे में देख लो कितना फोटोशूट वगैरह कर रहे हैं, वीडियोग्राफी कर रहे। देखिए ये छठ पर्व, ये मैं आपको दिखाना चाहता। अभी इन लोगों का ख़त्म हो चुका है, लास्ट आरती भी हो चुका है, अब ये लोग घर के ओर जाएंगे, और कल सुबह आएंगे जब सनराइज़ होगा ना, सनराइज़ होने से पहले आएंगे और सनराइज़ का आराधना करेंगे, सूर्य भगवान की उपासना करेंगे। उसके बाद इन लोग का जो भी इन्होंने व्रत मांगा है, जो भी इन लोगों का सब पूरा हो जाएगा, कम्प्लीट हो जाएगा, इन लोग पूजा भी खत्म हो जाएंगे, और अपने अपने घर में दूसरे घर में जाके प्रसाद वगैरह सब विभाजित करेंगे, वितरण करेंगे प्रसादों को, ठीक है दोस्तों। और सबके घर में आते थे इन लोग का प्रसाद, तो मैंने पहले कहा था ठेकुआ मेरा बहुत पसंद है, ठेकुआ मेरा बेस्ट प्रसाद है छठ माई का, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, मेरा पीछे कितना अच्छा दृश्य आ रहा है, मुझे जाने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा मुझको, मेरा अपने घर पर जाना पड़ेगा। और आज खास बात क्या है दोस्तों, आज के वर्ल्ड कप का फाइनल भी है दोस्तों, मैं उसे छोड़ के आया हूँ, 4 विकेट डाउन था हम लोग इंडिया का, ठीक है। अभी कितना विकेट गया मालूम नहीं मेरे को, कितना रन गया मालूम नहीं, अभी जाके मैं टीवी आगे बैठूंगा और हिलूंगा नहीं, कल सुबह खाली हिलूंगा तब ये छठ माई का फिर पर्व स्टार्ट हो जाए, ठीक है दोस्तों। तब तक लिए अलविदा, टाटा बाय बाय, सी यू। पूरा जाम ज़्यादा हो गया, आदमी ज़्यादा हो गया, गाड़ी नहीं चला देखो ना, आदमी ज़्यादा हो गया, उतारो आदमी को, इतना लोड है।
ये देखिए जाते हुए का नज़ारे, किस प्रकार से लोग पूजा पाठ संपन्न करके जा रहे हैं कल सुबह आने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये सब नज़ारे आपको मैं दिखाना चाहता था। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ये सब नज़ारे आपके आगे साझा कर सका, आपके आगे रख सका। दोस्तों मेरे इसी पल का इंतज़ार था, ये पल कब आएगा। ठीक है, अभी मैं आपको सब कुछ दिखा चुका हूँ, खाली कल सुबह का एक ठो झलक दिखाना है आपको इस छठ पूजा के, छठ पूजा में। ठीक है दोस्तों, अभी मैं दिखा दूंगा कल सुबह। ठीक है, तो अभी क्या देखिए, इस प्रकार गाड़ियों का लंबा जमावड़ा रहता है, लाइन लगा हुआ रहता है। वोल्टेज जो है, एक एक कमेटी के जो वोल्टेज है ना, वो एक एक करके गाड़ी को छोड़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए इतना गैपिंग है यहाँ पे। देखिए ऊपर एक एक गाड़ी छोड़ रहे हैं खाली उस गेट पे, यहाँ से एक एक गाड़ी, एक ठो गया उसके बाद में दूसरा, चिल्ला रहे थे वहाँ वोल्टेज खड़ा है, चिल्ला रहे थे ऐसे है। ये छठ माई का पर्व है देखिए इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार जिनका हर क्षेत्र में सहयोग हमें मिलता है, हर महापर्व में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, आज सुबह मॉर्निंग हो गया है, अभी सुबह के 5:20 हुए हैं। ठीक है, इस बार मैं घाट पे हूं। देखिए घाट पे कितना उत्साह है, कितना उल्लास है। देखिए किस प्रकार से लोग मजे ले रहे हैं छठ पूजा का, छठ महापर्व का। देखिए दोस्तों इस प्रकार का नज़ारा मैं आपको दिखाने सुबह सुबह आ गया। देखिए दोस्तों नज़ारे, और मैं छठ पूजा टाइम पर वही चाय लिया जो कल शाम को मैं लिया था लुंगटा से, जो लुंगटा का जो कंपनी है वो स्पॉन्सर कर रही है चाय का, चाय फ्री में है, आप कोई भी जाके वहाँ पे चाय ले सकता है। ठीक है, तो ये है छठ पूजा महापर्व का एक दूसरा मॉर्निंग वाइब। दोस्तों मॉर्निंग वाइब छठ पूजा किस प्रकार मनाया जाता है, ये है हर चीज़ छठ पूजा, और यही है हमारा भारत देश। देखो विभिन्न प्रकार के त्योहारों उत्सव पर्व को मानकर हम लोग आते हैं, इसलिए हमें अपना धर्म बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, यही है हम लोग का। हेलो सभी नगरवासियों को छठ महापर्व की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामना। जयगा छठ पूजा कमेटी आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन करती है। छठ पूजा कमेटी की तरफ से प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनका विशेष सहयोग और योगदान मिला है। इस पूजा में योगदान के लिए सभी को धन्यवाद धन्यवाद देना चाहेंगे। जिला प्रशासन को, रंग प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, हमारे सभी मीडिया बंधु को विशेष धन्यवाद। हमारे
छठ पूजा कमेटी के सदस्यों को हमें प्राप्त हुआ है। धन्यवाद देना चाहेंगे हम जयगांव के सभी जनता जनार्दन का, इनका पूरा पूरा सहयोग हमें तन मन धन से मिला है। धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे जयगांव छठ घाट में चाय का संचालन करने वाले संस्था को, लोकतालि के सभी सदस्यों को, वरिष्ठ सदस्यों को जिनका मार्गदर्शन में जिनका
का पर्व किस प्रकार से उत्सव किस प्रकार से होश और उल्लास के साथ में मनोरंजन के साथ में और उत्साह लेके इस पर्व को मनाया जाता है। दोस्तों मैंने आपको जितना हो सके दिखा चुका हूँ इस वीडियो में, देखिए दोस्तों आप लोग आनंद उठाइएगा मेरे इस वीडियो में। तो आपका सफर तो मेरा यहीं तक का था अभी, ठीक है। इस महापर्व में हम लोग का आखिरी का महापर्व है, आखिरी चाड़ है, आखिरी त्यौहार है, ठीक है दोस्तों। इसी बात फिर मिलेंगे हम आपको 2024 साल में, ठीक है। 2024 में नए में धूप भी निकल आया, देखें इतना खूबसूरत सा धूप निकल आया। तो इस प्रकार से हम लोग का जयगांव में जयगांव वासियों के द्वारा छठ का महापर्व मनाया जाता है दोस्तों, हर एक साल मनाया जाता है, ठीक है। अगले साल भी आप आएंगे, मैं इसी तरह आपको वीडियो दिखाऊंगा, इसी तरह आपको मनोरंजन करता रहूंगा, ठीक है दोस्तों। ये मनोरंजन का सिलसिला तो कभी खत्म होने वाला नहीं है, जब तक मैं रहूंगा आप रहेंगे और यूट्यूब रहेगा तब तक तो ये मनोरंजन का मैं हमेशा लगातार आपको वीडियो लेके आता रहूंगा, आपको उत्साह करता रहूंगा मेरे दोस्तों मेरे व्यूअर्स को, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, इतना ही था मेरे को बोलने का, और ज़्यादा मैं क्या बोलूँ दोस्तों, आपको मैं नज़ारा दिखा चुका हूँ, नज़ारे का मज़ा दिखा चुका हूँ, आप नज़ारे का लुत्फ उठाइए। निकल आया है देखिए कैमरे में, पूरा धूप निकल चुका है देखिए दोस्तों, ठीक है। तो मैंने आपको जितना हो सके दिखा चुका हूँ, अभी तो मेरा आवाज़ ठीक से नहीं आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। फिर मैं ज़ोर ज़ोर से कह रहा हूँ आप सब लोगों से, आप सुन लो तो उन लोगों दोस्तों देख लिया होगा हम लोग का छठ महापर्व का उत्सव और यहाँ का मनोरंजन और यहाँ का दृश्य, यहाँ के नज़ारे, ठीक है दोस्तों। ये सब मैं दिखाना चाहता था, मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब मेरे को इजाज़त दीजिए, मैं भी इस सफ़र से इस यात्रा से थोड़ा सा थक चुका हूँ दोस्तों, मैं भी जाके आराम करता हूँ, आप लोग थोड़ा आराम कीजिए। और अंत में ये कहना चाहता हूँ इस छठ पूजा के मन से, इस छठ पूजा महापर्व से, देखिए दोस्तों फिर मिलेंगे इस छठ पूजा के अवसर पर ही, लेकिन अगले साल 2024 में, ठीक है दोस्तों फिर मिलेंगे। तब तक ले गुड बाय, नमस्ते, सलाम, डोंट वरी, बी हैप्पी इन योर लाइफ ऑलवेज दोस्तों, एंड हैव फन। जय छठ मैया की जय।